मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ अहमदाबाद में और मेरा आना हुआ है श्याम सुंदर स्टोर्स में। कोइंसिडेंसली इसके कर्ता धर्ता और इसके प्रेजेंट में जो ओनर हैं श्री संतोष कुमार जैन साहब, वो मिल गए हैं। संतोष साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार। तो इतना सुंदर स्टोर देख के तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप बताइए क्या क्या प्रोडक्ट आप रखते हैं और कहाँ कहाँ तक ये जा सकता है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये 1969 से हमने शुरू किया था ये शॉप। ये बेसिकली फादर फाउंडर है इसके और हम लोग तीन ब्रदर हैं। उनका क्या शुभ नाम था, पिताजी? लक्ष्मीलाल जी जैन उनका नाम था। बेसिकली चित्तौड़गढ़ जो महाराणा प्रताप का है, वहाँ से 60 किलोमीटर हमारा गांव है आकोला जी, वहाँ के हम लोग हैं। और नाम उसका चीपू का आकोला है। तो आपको एक बात और बता दूं कि वहाँ की प्रिंटिंग बहुत फेमस है। ये कपड़ों की जो प्रिंटिंग होती है ना, वो बहुत फेमस है। लेकिन उसके पहले हमारे फादर जो थे उन्होंने 40 साल तक इतनी कड़ी मेहनत करके लारी चला के, खूमचा चला के, उसके बाद कहीं इन्होंने 69 में शॉप डाली, जिसमें मेरे बड़े ब्रदर श्याम जी भाई साहब वो उनके साथ थे। वो राजस्थान से 21 साल की उम्र में आ गए और उसके बाद 1969 से ये बिजनेस हमारा चालू है। और हमारे ये सारे खुद के प्रोडक्ट हैं और हम लोग ज़्यादा होलसेल का काम करते हैं। और इसमें हमारे जो आउटलेट है खुद के हमारे, वो 4 आउटलेट है। एक यहाँ शाही बाग में है जी, एक दिल्ली दरवाजा है, एक निकोल में है जी, एक सेला में है जी, ये सराउंडिंग अहमदाबाद में है। और कम से कम 400 से 450 आउटलेट ऐसे हैं जिनकी जो बड़ी बड़ी शॉप है उनके जो शोरूम है उसमें हमारा माल जाता है। प्रोडक्ट राजस्थान में भी जाता है, प्रोडक्ट हमारा बेंगलोर में भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी जाता है। और हमारी नमकीन जो है, जो मेन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, एबू 100 आइटम है। एबू 100 अलग अलग टाइप की, हमारी खुद की 100 वेराइटी से ऊपर है। और मिठाई जो हम लोग बनाते हैं उसमें 60 वेराइटीज हमारे पास है। और दिवाली का जो सब सीजन आता है उसमें 100 के ऊपर जाते हैं। यहाँ का मिल्क हलवा, हमारी राजस्थानी बर्फी, काजू कतली, मीठी बूंदी के लड्डू और स्पेशली मारवाड़ी मीठी बूंदी जी, वो हमारी बहुत फेमस आइटम है। मैसूर पाक है, उसके बाद है हमारा एक क्रीम बर्फी आती है, चोको केक आता है जिसमें बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो कैडबरी से बनता है, कैडबरी पाउडर से जी, मावे के साथ में। और यहाँ के अलावा राजस्थान में चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है और पाली डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ सभी जगह हमारा माल जाता है जी। बेसिकली शिवगंज, सुमेरपुर, पिंडवाड़ा, पाली, फालना, जोधपुर और माउंट आबू जी। और राजस्थान में इधर चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में हम बात करें तो भीलवाड़ा, चित्तौड़ और छोटे छोटे जो गांव हैं उसमें भी हमारा माल जाता है। उदयपुर में हमारा एक आउटलेट है जिस जो हमारे साली साहिबा संभालते हैं। ये सब एड्रेसेस नेट पे अवेलेबल हैं, अगर कोई किसी शहर में है और उन्हें श्याम सुंदर का प्रोडक्ट खाना है तो गूगल करें, मिल जाएगा। अब आप हमारे जो श्याम सुंदर food.com जो साइट है, वेबसाइट जिस पे आप जाएंगे ना, तो आपको टोटली सारा वो मिल जाएगा। और हम ऑनलाइन भी करते हैं, आप मेरे से हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कहीं भी माल मंगवाओ हम लोग भेज देंगे। और अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाते ही, और अमेरिका और जो लंदन है और कनाडा है जिसमें जो स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ के जी, उनको एवरी वीक हमको एक पार्सल देना ही पड़ता है। जो पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं उनके, तो उनको वो पार्सल हमारे यहीं से ले जाते हैं। और वो हमारे कस्टमर ऐसे हैं जैसे दादाजी थे, दादाजी के बाद उनके लड़के आए और उनके पोते जी, यहाँ तक मतलब इतना टेस्ट है कि जो रेंज चली आ रही है, रेंज चली आ रही है। 1969 से जो टेस्ट है वो आज भी वही टेस्ट है हमारा। आप कहीं भी मार्केट में जाओगे आप तो वो श्याम सुंदर के नाम से पहचानते हैं। श्याम सुंदर इटसेल्फ एक ब्रांड है जी, जो मेरे दो ब्रदर के नाम से, अच्छा, श्याम भाई सुंदर भाई। मेरे फादर, मेरे ब्रदर 21 साल के थे तब एक्सपायर हो गए। ओह,
वेरी यंग। तो आप ये समझो कि 21 साल का स्टूडेंट आया यहाँ बिजनेस करने, तो उस टाइम उसकी हालत क्या होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम 6 ब्रदर भाई बहन हैं, खाली फादर ने उनकी शादी कराई थी, बहनों की, उनकी खाली श्याम जी की। अच्छा, ओके। 5 ब्रदर और बहने हम कुंवारे थे, हमको पढ़ाया लिखाया, जितना पढ़ना था उतना पढ़ाया लिखाया, 5 भाई बहनों की शादी करी। 83 में हम लोग आ गए दोनों ब्रदर पढ़ के। मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और वो एमकॉम थे। अच्छा, तो हम दोनों आ गए। उसके बाद हमारे बड़े भाई बहुत निश्चिंत हो गए, उनको बहुत रिलैक्स हो गया, और हमने कभी उनसे हार्ड वर्क कराया ही नहीं आने के बाद। और हम उतना ही रेस्पेक्ट करते हैं हमारे जैसे, आप समझो आज की तारीख में इस कलयुग में हम उनको राम ही बोलते हैं, और हमारी जो भाभी है उसको सीता मैया ही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने, वो अगर सीता नहीं होती तो राम जी कर ही नहीं पाते, बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं रख पाते। अब यहाँ तक आने में आप देखो ना, 1969 से 2003 तक आए, तो हमको काफ़ी साल लग गए, लेकिन यूनिफॉर्मली ईमानदारी से लगे, ईमानदारी से। कोई भी प्रोडक्ट है ना, जो वेराइटीज है हमारी, वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी, बेसन आता है, मैदा आता है। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप हमेशा कुछ नए नए प्रोडक्ट ऐड करते होंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट कौन करता है? ये एक्सपेरिमेंट हमारे ब्रदर करते हैं कि अब क्या नया बनाया जाए। अब हमेशा कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया बनाते रहते हैं, और नया इसलिए बनाते हैं समय के हिसाब चलता था। आजकल के बच्चों को क्या है, ये टेस्ट पता नहीं है, तो उनके लिए हमको बच्चों की वैरायटी बनानी पड़ती है। आपकी सफलता जो है उसकी मतलब क्रेडिट आप किस चीज़ को देंगे, कैसे आप इतने सफल हुए? ये जो लोगों की जवान पे आपका नाम है श्याम सुंदर, तो ये आपकी सफलता का राज क्या है? हमने सर पूरी ईमानदारी से स्टार्टिंग में ये काम किया, और इसको बनाने के लिए स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ी हमको। टेस्ट जमाने के लिए हमको अलग अलग जगह जाने चला, इवन रतलामी सेव का टेस्ट बिठाने के लिए मेरे ब्रदर बार बार रतलाम जाते थे। अच्छा, और सारा जो सिस्टम है ना वो मतलब बहुत नॉर्मलाइज है, मतलब मेरे ब्रदर बहुत पोलाइट हैं, उन्होंने कभी जीवन में कभी उन्होंने बोला कि कोई माल आपका ख़राब हो गया तो उसको सेल नहीं करने का। फादर के टाइम से भी जो आइटम ख़राब है उसको फेंको, अपने को कस्टमर को देनी नहीं है। इसी हिसाब से हमारा शुरू से नाम है कि भाई श्याम सुंदर पे जाएंगे तो अपने को कोई भी वैरायटी खराब नहीं मिलेगी और नाम से चलेगी। सारे फॉर्मूले बने हुए हैं हमारे खुद के, इवन मैं भी खड़ा होऊंगा तो फॉर्मूला देख के बना लूंगा। आपके बेटे? मेरा बेटा CA CS है, वो मेरे साथ ही है यहाँ पे। अच्छा, अपनी सेक्रेटरी भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। एक ब्रदर है, एक ब्रदर के लड़के हैं वो CA है, वो ऑफिस करते हैं। उसके बाद उनका बड़ा लड़का है वो MCA है, और हमारा जो एक्सपायर हो गए सुंदर भाई, उनका लड़का है उसने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा, मतलब हमारी फैमिली पूरी पढ़ी लिखी है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि क्या विदेश में जाके कोई स्टोर खोलना चाहिए या जैसे चल रहा वही ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हमको काफ़ी बार लगता है, और हमारे फ्रेंड जितने पटेल अमेरिका में रहते हैं वो बार बार हमको बोलते हैं कि आप अपना एक आउटलेट खोलो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैन पावर के बगैर ये चलेगा नहीं। क्या शुगर पेशेंट्स के लिए कोई आपने नमकीन बनाया है कि वो कुछ खा सकें? देखो नमकीन तो सारे शुगर फ्री खा सकते हैं। हाँ। मिठाई में हमने एक वो अंजीर का और एक वो डेट्स का बनाया हुआ है। अच्छा। वो शुगर फ्री पेशेंट खा सकते हैं, और इवन मेरे पास हेमोर की एजेंसी है तो शुगर फ्री आइसक्रीम भी हमारे यहाँ मिलती है। अच्छा, यानी शुगर वालों का आपने ध्यान रखा है। सपोज आप खुद एक कस्टमर की तरह आए तो कौन सी मिठाई खरीदना चाहेंगे? मिठाई तो देखो सारी अच्छी बनती है, लेकिन जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो चलती है वो एक राजस्थानी बर्फी है, जिसको हम बाहर भी बेचते, मतलब दूध को इतना पका के बनाते हैं कि वो जो राजस्थानी बर्फी है, एक चोको केक है और क्रीम बर्फी है, और एक हमारी मीठी बूंदी है, फिर वो मगज के लड्डू है, मैसूर पाक है, ये सारी चीज़ें फेमस है। लेकिन राजस्थानी बर्फी इतनी पसंद करते हैं लोग क्योंकि वो 8 दिन तक ख़राब नहीं होती। आपके यहाँ सबसे महंगी मिठाई कितने रुपए किलो है? वो हमारी सबसे महंगी मिठाई है 1300 रुपए की, वो ड्राई फ्रूट की वैरायटी आती है, और हम दिवाली के टाइम पे तो आप देखो
1800-1800 रुपए की महंगी भी बेचते हैं। तो आपकी समझ में एक बात तो आ गई कि अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स खाने हैं या मंगाने हैं तो आप फोन का, ऑनलाइन का, वेबसाइट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। संतोष भाई नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।